सो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी के भाई किसी के जान के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन पे, कि अभी तक इस फिल्म का जितना बज बना है इस बज को देखते हुए क्या यह फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी। इसके अलावा इस फिल्म के जो मेकर्स हैं ना, अभी तक ट्रेलर तक इस फिल्म का नहीं रिलीज किया है, मात्र 17 दिन बाद यह फिल्म रिलीज होने वाली है और अभी तक ट्रेलर नहीं आया। एक और मजे की बात यह है, ऑफलाइन पोस्टर भाई इसके रिलीज किए जा रहे हैं बट ऑनलाइन ये फिल्म के पोस्टर को रिलीज ही नहीं किया जा रहा है। मतलब थिएटर में इस फिल्म का पोस्टर पहुंच चुका है बट वो पोस्टर अभी तक ऑनलाइन नहीं रिलीज हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सलमान खान के जो टीम वाले हैं ना यार, चाहते ही नहीं है सलमान खान कोई फिल्म भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर धुआंधार कलेक्शन करके जाए। मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम लोग प्रॉपर इस वीडियो को देखना यार, मेरा मूड अभी खराब हो रहा है। बताओ 17 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली है, अपने आस पास तुम लोग देखो यार इस फिल्म को लेकर कितना बस है। किसी से भी इस फिल्म को लेकर पूछो, एकदम माहौल ठंडा है यार, एकदम माहौल ठंडा है भाई। अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो भाई ये फिल्म को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, हमारे बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्मों की तरह अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, कि साउथ वाले ना रिलीज से बहुत कम दिन पहले ना ट्रेलर को रिलीज करते हैं, इससे फिल्म को फायदा होता है। बट पहले हमारे बॉलीवुड में क्या होता था, एक मंथ पहले ट्रेलर को रिलीज करा जाता था, देन बीच में जो टाइम बचते थे उसमें ये लोग गाने रिलीज करते थे। पर इन चीजों का ट्रेंड ना पठान फिल्म ला दिया, तो यहाँ किसी के भाई किसी के जान के मेकर्स में पठान की कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे। पठान के मेकर्स भी ये फिल्म का प्रमोशन नहीं किए हुए थे, इस फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले ही ट्रेलर को रिलीज करा था एंड उसके बाद ये फिल्म आया, 1000 करोड़ से ज्यादा ये कलेक्शन किया। तो ये पठान का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को ये किसी के भाई किसी के जान वाले भी यूज कर रहे हैं। बट ये लोग को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, पठान वायरब के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी, इसके साथ साथ चलो भाई मानो हटाओ यार वायरब के यूनिवर्स की फिल्म ना रहे, शाहरुख खान 4 साल बाद आ रहे थे, ये भी जो बज आ रही थी इसको भी हटा देते। पठान पठान को लेकर ना बॉयकट वाला ट्रेंड काफी तेज हो गया था। इसके साथ साथ इस फिल्म के 2 गाने एकदम चार्टबस्टर हो चुके थे, झूमे जो पठान, इसके साथ साथ बेशरम रंग। बेशरम रंग तो भाई ये पठान को इतना ज्यादा फायदा दिलाया है ना, कि आज से पहले किसी फिल्म के गाने ने इतना किसी फिल्म को फायदा नहीं दिलाया। बट यहां मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं, अभी तुम लोग किसी के भाई किसी के जान का एक भी गाना तुम्हें याद है? नहीं याद है यार। जो लोग ज्यादा फिल्मी लवर है, इनफैक्ट जो डाई हार्ट सलमान खान के फैंस है, वो लोग ये गाने याद हो सकते हैं या फिर वो लोग ये गाने को लेकर पता होगा। बट आस पास वाले किसी से पूछो यार, क्या किसी को पता है ये किसी के भाई किसी के जान के कोई भी गाने को ले ले। मेरे वैसे ना इस फिल्म का बस एक ही गाना अच्छा लगा है, बिली बिलिया। इसके अलावा सारे के सारे गाने फुद्दू हैं। और अभी ये गाना रिलीज हुआ, 2-3 दिन पहले गाना रिलीज करा गया था। बताओ ना यार, पूरे का पूरा साउथ में ही गाने को रिलीज कर दिया। जी एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये लॉजिक कौन दे दिया? सलमान खान के एंट्री पे थोड़े बहुत हिंदी वाले टच डाले गए, बाकी पूरी गाना ही साउथ में है। अगर ऐसे ही चीजें करना था तो 2 लैंग्वेज में गाने को रिकॉर्ड कर लेते, साउथ के लिए अलग नॉर्थ के लिए अलग, एक के साथ रिलीज करते। इसके अलावा एक तो ये लोग ना भाई हद कर दिया है, ऑफलाइन थिएटर में भाई पोस्टर रिलीज कर रहे हैं और ऑनलाइन आता पता ही नहीं है भाई पोस्टर का ना कोई चीज का। कल ही गाना रिलीज होने वाला है और पता नहीं ये भी गाना कैसा होगा। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि जब भी मैं अभी एनालिसिस ही कर रहा था इस फिल्म को लेके, क्योंकि 17 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली है भाई, ओनली 17 डेज, कब टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बट अभी भी इस फिल्म को लेकर ना कोई बज है ना कोई प्रमोशन है। चलो भाई प्रमोशन से किसी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। बट ये भी तो आप लोग देखो भाई, ये एक रिमेक फिल्म है, बहुत ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनल फिल्म को देख रहे हैं, तो प्रमोशन तो थोड़ा बहुत करना होगा। और सलमान खान की ऐसी भी जो भी पिछली फिल्म आई हुई थी, सारे के सारे फिल्में फ्लॉप गई है बॉक्स ऑफिस पे, ये हम सबको पता है। वैसे भी मार्केट में लोग ये बोल रहे हैं ये फिल्म आएगी बॉक्स ऑफिस पे टाटा फीस होकर चली जाएगी। बट ये मेकर्स को देखना चाहिए खान का स्ट्रेटजी, ये लोग यहाँ घुसा रहे हैं। एक और खतरे का बात ये है, ये फिल्म के सामने एक बंगाली फिल्म रिलीज हो रही है चंगेज कर, कुछ देर पहले ट्रेलर को रिलीज करा गया और ट्रेलर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि चंगेज को ज्यादा फायदा ना मिले, इसको लेकर डेडिकेटेड में वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। क्या तुम लोग अभी किसी के भाई किसी के जान के बस से संतुष्ट हो? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि इतना बस से ये फिल्म हिट हो सकती है या फिर इससे ज्यादा बस की जरूरत है? देखो भाई, एक ये फिल्म रीमेक है, ये चीज को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। सो प्लीज तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। हाँ, ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज मेरा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खेले मचाते रहो।